तुम बहुत लकी हो, कुछ मर्जी पहन सकते हो। मेरे घर पे तो स्लीवलेस पहन लूँ या ऐसे खुला छोड़ दूँ ना, तो भी मेरे पापा को दिक्कत हो जाती है। जैसे तू अभी टांगे फैला के बैठी है ना, मैं अपने घर पे बैठ जाऊँ ऐसे तो मेरी मम्मी तो लेक्चर देने लग जाती है कि तमीज नहीं है तेरे को, थोड़ा ढंग से रहा कर। लगातार 2 दिन हो गए घर से बाहर घूमते हुए, अब 10 दिन तक टिक के रहूंगी घर पे ताकि क्लेश ना हो। तू कुछ नहीं करती है, हर टाइम बेड पे पड़ी रहती है। मैं घर पे इतना काम करती हूँ फिर भी मेरे माँ बाप को लगता है कि मैं एक नंबर की निकम्मी और निठल्ली हूँ। भैया जब पिज्जा देने आओगे तो घर की बेल मत बजाना, मैं तो कहती हूँ गली के कॉर्नर पे खड़े होना और मुझे फोन कर देना। चल यार 7 बज गए, मैं घर जाती हूँ, प्रॉब्लम हो जाएगी। और पापा मान के गोवा के लिए, लेकिन दोस्तों के साथ नहीं, अपने पति के साथ, वो भी शादी करा के। यार मैं तो आर्किटेक्ट बनना चाहती थी लेकिन मेरे पापा को वो लाइन बिल्कुल पसंद नहीं थी, उन्होंने कहा चुपचाप करके टीचिंग कर ले करनी है। तो मेरे भाई के 94% मार्क्स आ गए, पूरे मातम का माहौल है मेरे घर पे अभी। यार मैंने अब क्या कर दिया, मम्मी ने मुंह क्यों बना रखा है। मम्मी कुछ हुआ है क्या, कितने गट्स है तेरे में, अपने माँ बाप को जवाब दे देती है। मैं ऐसे बोल दूँ ना तो मेरे को घर से बाहर निकाल दे। तुम लड़कों के साथ ट्रिप पे जा रहे हो और वो भी घर वालों को बता के।